गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पार्ट 1 भोजन यह कहाँ से आता है पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? जी हाँ विद्यार्थियों, आप लोगों ने घर पे भी नोट किया होगा कि आपके घर पे सुबह और शाम का भोजन एक जैसा नहीं बनता। सुबह अगर कोई अलग सब्जी बनी है तो शाम को वो रिपीट न होकर अलग प्रकार की सब्जी बनाई जाती है। इस प्रकार से हमारे सुबह और शाम का आहार एक जैसा न होकर अलग अलग होता है। खाद्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। हमारी क्लास में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों के नाम और उनके पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की हम सारणी बनाएंगे। जैसे राकेश, जिसने पूरे दिन में रोटी, आलू, दाल और चावल खाए। उसी प्रकार से सलोनी ने रोटी, भिंडी, खिचड़ी खाई। रौनक ने रोटी, लौकी, दाल और अंडे खाए। इस प्रकार से तीनों विद्यार्थियों के पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ समान न होकर अलग अलग हैं। इस प्रकार से इसमें जो खाए जाने वाले पदार्थ हैं, कुछ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थों का चित्रण किया हुआ है, जैसे इडली सांभर, मछली और सब्जी। मछली जो हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है, जबकि इडली सांभर और सब्जी हमें पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचे तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग भोजन निर्माण करने के लिए अलग अलग कई प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। भोजन निर्माण के लिए हम अन्य प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सारणी 1.1 में जो सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ हमने छांटे थे, उसकी चर्चा अपने दोस्तों से घर पे करेंगे और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसके लिए एक अन्य अतिरिक्त सारणी सूचीबद्ध करेंगे, जिसमें वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण अंकित करेंगे। इस प्रकार हम सारणी निर्मित करेंगे खाद्य वजन व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। जैसे पहला हमारा खाद्य पदार्थ है रोटी और चपाती, उसके निर्माण के लिए हमें आटा और जल चाहिए। उसी प्रकार से दाल के निर्माण के लिए हमें कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले चाहिए। उसी प्रकार से खिचड़ी निर्माण के लिए कच्चे चावल, दाल, प्याज, आलू, तेल, मसाले इत्यादि पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग पदार्थों के निर्माण के लिए हमें अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमने जो सारणी निर्मित की थी, जिसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए अलग अलग सामग्री का उपयोग करना पड़ता है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करें। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। इस प्रकार से खाद्य पदार्थ हमें जंतु और पौधों दोनों से प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री में यहाँ एक अनाज के खेत का चित्रण किया हुआ है कि किस प्रकार खेत में गेहूं की बालियां लगी हुई है और उसका उपयोग हम कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण में करते हैं। इस अन्य चित्रण में दर्शाया गया है कि किस प्रकार खाद्य पदार्थों के खेतों में उपज के बाद में उसका भंडारण करके उसको मंडी तक पहुंचाया जाता है, ताकि सामान्य मनुष्य उसका उपयोग कर सके। अगला खाद्य पदार्थ का उदाहरण है फल। इसमें विभिन्न प्रकार के फलों का चित्रण है, जैसे केला, आम, एप्पल और पाइनएप्पल, जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों से युक्त होते हैं। अगला खाद्य पदार्थ का उदाहरण है पिज्जा, जो मैदे और कई प्रकार के सब्जियों और मसालों से निर्मित होता है। अगला खाद्य पदार्थ है अंडा, जो हमें मुर्गियों से प्राप्त होता है, जो एक प्रकार से जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने देखा कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। खाद्य व्यंजनों को बनाने के लिए वे संघटक जिससे बने हैं और उनके स्रोत के लिए हम सारणी बनाए तो ये इस प्रकार से अंकित होगी। जैसे खाद्य पदार्थ इडली, उसके निर्माण के लिए कच्ची सामग्री में चाहिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। चावल और उड़द की दाल हमें पौधों से प्राप्त होने वाले
पदार्थ हैं। उसी प्रकार से चिकन करी के निर्माण में चिकन मसाला, तेल, घी, जल इत्यादि काम में आते हैं। चिकन जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, जबकि तेल और घी पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से खीर निर्माण करने के लिए दूध, चावल और चीनी चाहिए। दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जबकि चावल हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से खाद्य पदार्थ जो हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप तीन के अंतर्गत हमने जो सारणी निर्मित करी थी, उससे हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? जी हाँ, भेड़ भी हमें दूध देती है, जिसका उपयोग उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं। कुछ मात्रा में दूध ऊंट भी देता है, जिसका उपयोग उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं। सामान्यतया हम दूध गाय भैंस से प्राप्त होने वाले दूध का ही उपयोग करते हैं। हमारा अगला अध्ययन बिंदु है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्ती वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। क्या आपने कभी सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल के पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? पकौड़ी कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे पालक जो एक प्रकार के पत्तेदार सब्जी है, उसकी भी पकौड़ी बनाकर खाई जाती है। आलू और प्याज की भी पकौड़ी खाई जाती है। कई प्रकार की सामग्री निर्माण करके इसका उपयोग हम कर सकते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? ऐसे कई पौधे हैं जिनके हम कई प्रकार से उपयोग लेते हैं। किसी का हम पुष्प खाने के काम में लेते हैं, किसी का फल, किसी की जड़ें और किसी की पत्तियां। आइए हम जानकारी करने का प्रयास करें कि पौधे की संरचनाएं किस प्रकार होती है। पौधे के संपूर्ण भाग का चित्रण यहाँ किया हुआ है। सबसे ऊपरी भाग जो पीले रंग का है वो पुष्प कहलाता है। कई पौधों में पुष्प खाने योग्य पदार्थ में काम में आता है, जैसे फूल गोभी में जो पुष्प निर्मित भाग है वही हम खाने के काम में लेते हैं। उसी प्रकार तना इसमें चिन्हित किया हुआ है। इस प्रकार इस चित्रण में पुष्प, कली, तना, पत्ती और जड़ें चिन्हित की गई है। हम अगले अध्ययन बिंदु में देखेंगे कि किस प्रकार पौधे के कौन कौन से भाग खाने में काम में लिए जाते हैं। आज के अध्ययन बिंदु पर आधारित गृह कार्य प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, जंतुओं व पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत की सारणी बनाइए। तीसरा प्रश्न, किसी पौधे का नामांकित चित्र बनाइए। विद्यार्थियों से अनुरोध है इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए एक प्रैक्टिस कॉपी बनाएं और उसमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।